गैंगरेप की करेंगे। गुरुग्राम के झाड़सा इलाके में रहने वाली 13 साल की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 24 वर्षीय जिम संचालक सुशील को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दूसरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 51 में रहने वाली एक महिला के साथ छेड़छाड़ का सामने आया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं तीसरी वारदात गुरुग्राम की है, जहां पर गुरुग्राम के जिला न्यायालय की है, जहां एक पूर्व जज पर महिला अधिवक्ता के साथ निजी भाषा प्रयोग करने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जाँच शुरू है। ये गुरुग्राम के महिला पुलिस थाना में 17 सितंबर 2018 को मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक जिम ट्रेनर है सुशील, जिसको गिरफ्तार कर लिया है, और जिसने एक नाबालिग युवती, जो 13 वर्षीय की नाबालिग युवती थी, जब ट्यूशन पर जा रही थी तो इसके साथ रेप को अंजाम दिया, जिसमें 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।